जामुल पुलिस ने 4 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को नाले में पुलिया के नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जामुल थाना प्रभारी ने बताया कि 4 साल पहले 26 मई 2019 को सुबह 5:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि फौजी नगर गंगा इंजीनियरिंग के सामने स्थित पुलिया के नीचे नाले में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची। जांच में पता चला कि महिला की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष है। उसके शरीर में चोट के निशान थे। शव को कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया था। जामुल पुलिस ने तुरंत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पूछताछ पर पता चला कि लाश रजनी देवांगन निवासी शारदापारा कैंप 2 थाना छावनी की है। जांच में यह भी पता चला कि महिला की हत्या उसके पति लोकेश्वर उर्फ लोकेश देवांगन ने अपने साथी सूरज देवांगन के साथ मिलकर की थी। आरोपी सूरज देवांगन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं मुख्य आरोपी मृतका का पति लोकेश्वर उर्फ लोकेश देवांगन फरार था। पुलिस को शुक्रवार शाम को पता चला कि आरोपी लोकेश देवांगन को कैंप 2 शारदापारा तालाब के पास देखा गया है। पुलिस की टीम ने तुरंत उसके घर की घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया है। वर्ष 2019 में आरोपी लोकेश्वर देवांगन ने अपनी पत्नी की हत्या करके अपने भतीजे सूरज देवांगन के साथ में शव को कंबल से लपेटकर नाले में फेंक दिया था। अज्ञात बॉडी रिकवर पुलिस ने की थी और विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ था कि उसकी पत्नी का शव है। तो विवेचना के दौरान जो सह आरोपी भतीजा था सूरज देवांगन, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके तभी रिमांड पर भेज दिया था, जो जेल में निरुद्ध था। और मुख्य आरोपी लोकेश्वर देवांगन पिछले 4 वर्षों से घटना के बाद से फरार था, जिसकी लगातार पत्रतलाश की जा रही थी। कल दिनांक को सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी अपने परिवार से मिलने आने वाला है। शारदा कैंप तालाब के पास देखा गया है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पहुँच के घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया गया। उसे पूछताछ करने पर उसने घटना स्वीकार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू और स्टील लोहे का पाइप बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि आरोपी से पूछताछ पर पत्नी का किसी और से संबंध होना बताया है, विवेचना की जा रही है। दूसरे से फायर थी। 1 बजे रात को मैं घर में आया काम करके, इसके ऊपर सोया देखा अंग वस्त्र में। मेरा दिमाग संतुलन बीपी बढ़ गया, हाथ में पाइप था, उठा के मार दिया था। पीछा मेरे साथ, मैं बस था मारा घड़ी में और छत में लेके और मारा, पूरा जान से ही मार डाला। फिर अपने भतीजा को ले जाके उसको कंबल में लपेट के फिर नालम फेंक दिया। 7वां महीना था, जुलाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।